another question of chapter number 2, structure of atom, NCERT and class 11. In this video, I will be explaining you question number 63 and it's on page number 69. So first of all, let's have a look on the question and then to its solution. Question is, the bromine atom possesses 35 electrons. It contains 6 electrons in 2p orbitals, 6 electrons in 3p orbitals and 5 electrons in 4p orbital. Which of these electrons experiences the lowest effective nuclear charge? So in this question, we need to tell ki in mein se kaun sa aisa electron hai jo aise orbital mein present hai jo experience karta hai less effective nuclear charge. जिसपे न्यूक्लियस का जो पावर है वो सबसे ज्यादा कम है. ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन है विच इज प्रेजेंट इन दीज ऑफ द ऑर्बिटल्स विच एक्सपीरियंसेस द लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. फाइन, सो लेट्स बिगिन. आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि न्यूक्लियर चार्ज विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम और हेयर. तो जो न्यूक्लियर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है वो डिपेंड होता है ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. देखिए, अगर यहाँ पर मेरा न्यूक्लियस है, दिस इज वन और फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है. तो अगर मेरा न्यूक्लियस यहाँ पर है और एक जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दैट मीन सपोज इट इज अ सिक्स ऑर्बिटल. This is then my nucleus, which is the center point of the atom. ये मेरा nucleus है और इस atom में एक six orbital है जहां पर मेरा electron present है. तो अब देखिए, यहाँ nucleus और जो मेरा electron है जिस six orbital में, उसके बीच का distance देखिए, it's a very long distance. तो obviously इस जो nucleus है, इसके जो power होगा वो इस electron पे कम होगा, है ना. सपोज यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिक्स ऑर्बिटल में और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेकंड ऑर्बिटल में. तो आई एम हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द सेकंड ऑर्बिटल एंड वन ऑफ विच इज प्रेजेंट इन द सिक्स ऑर्बिटल. दिस इज माय न्यूक्लियस, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है. फाइन, तो अब जो न्यूक्लियस का जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चार्ज होगा, जो पावर होगी न्यूक्लियस की, वो सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करेगी, वो सबसे ज्यादा किस पे होगी पावर, वो पावर होगी सेकेंड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है सिक्स ऑर्बिटल में. तो जो सिक्स ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट विल एक्सपीरियंस अ लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. उस पर न्यूक्लियर चार्ज का जो पावर होगा बहुत बहुत कम होगा. और अगर हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को देखें जो सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा बिकॉज वो न्यूक्लियस के बहुत पास प्रेजेंट है. दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. बात आती है, ये तो मैंने आपको एक जनरल थिंग बताई. अगर हम क्वेश्चन पे देखें तो आई एम हैविंग द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2p, 3p एंड 4p. तो आप देखिए, 2p दिस इज द न्यूक्लियस, 2p ऑर्बिटल यहाँ, 3p ऑर्बिटल यहाँ एंड 4p ऑर्बिटल यहाँ. तो यहाँ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो मुझसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विच अमंग दीज ऑर्बिटल्स, विच अमंग दीज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो मेरा आंसर होगा, द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द 4p ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर मेरा न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है और 4p ऑर्बिटल यहाँ है, तो डिस्टेंस बिटवीन द 4p ऑर्बिटल एंड द न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज, ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा. फाइन, तो 4p एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो एक्सपीरियंस करेगा लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, ठीक है. नाउ सी इन द बोर्ड व्हाट आई हैव रिटन एंड आई फील अब आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है. न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. As the distance increases, as the distance between the nucleus and the orbital in which the electron is present increases, effective nuclear charge decreases.
So as the distance increases, the the effective nuclear charge also decreases. Among p orbitals, 4p orbitals are farthest from the nucleus of bromine atom. 4p एक ऐसा orbital है जो मेरा suppose मेरे यहाँ पर bromine atom का nucleus present है, तो 4p ही एक ऐसा orbital है जो बहुत ज़्यादा दूर है bromine atom के nucleus से. ठीक है, the among p orbitals, 4p orbitals are farthest from the nucleus of bromine atom with plus 35 charge. Hence, the electron in the 4p orbital will experience the lowest effective nuclear charge. These electrons are shielded by electrons present in the 2p and 3p orbitals along with the s orbitals. Therefore, they will experience the lowest nuclear charge. अब आप कहेंगे कि मैम आपने ये तो बता दिया कि जितना nucleus से distance ज़्यादा होता रहेगा, उतना effective nuclear charge कम होता रहेगा. ठीक है, बताया मैंने. लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी. तो यहाँ मेरा 4p orbital है. 4p से पहले कौन-कौन से orbitals होंगे? 3p, 3s, 2p, 2s, 1s, 2s ये सारे orbitals होंगे. तो आप देखिए 4p orbital में जो electron है, वो shield हो रहा है बाकी इन सब ऑर्बिटल से जो उसके आगे हैं. दैट मींस न्यूक्लियस और 4p ऑर्बिटल के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है ऑफ द 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d ऑर्बिटल्स. ये सारे ऑर्बिटल्स एक न्यूक्लियस और 4p ऑर्बिटल के बीच में हैं. देयरफॉर द ऑर्बिटल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड 4p ऑर्बिटल play a role of shielding. They do shield the 4p orbitals from the nucleus. अब वो shield करेंगे तो obvious ही बात है 4p orbital में जो electron present होगा it will experience the less effective nuclear charge. ठीक है, I hope the solution, the reasoning behind the question which is asked to us is very much clear to you all. Fine. So if you are having still any doubt regarding the reasoning of this question, then please do write your doubts in the space given below. Do watch the next video for the next question of this chapter and do subscribe us. Well, this brings me to the end of the session and it's me, Raki, saying you all goodbye.